सर्किट हाउस भवन सभागार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर संगोष्ठी एवं यूथ आइकन सम्मान आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित करने का कार्य भी किया गया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय बड़े, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनके जीवन से जो सीखने वाली बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब वो शिकागो के धर्म सम्मेलन में बोल कर आए तो उनका नाम बहुत बड़ा हो गया। दूसरे दिन वहां हेराल्ड से लेकर के जितने अमेरिका के बड़े बड़े अखबार थे, सबने छापा की स्वामी विवेकानंद भारत से आया हुआ एक संत, तो सभी भाषणों में सर्वोच्च स्थान रहा उसका पूरा, तो उनका नाम बहुत बड़ा हो गया। जहां वो रुके हुए थे, जिस परिवार में एक सुंदर युवती दूसरे दिन उनको मिलने गई, स्वामी जी को प्रणाम किया और स्वामी जी से आग्रह किया कि स्वामी जी मुझे कुछ आपसे मांगना है, आप मना तो नहीं करेंगे? स्वामी जी ने कहा बात बताइए अपनी बात। तो उस महिला ने कहा कि मैं आपके जैसा तेजस्वी पुत्र चाहती हूं। हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, कोई किसी बड़े पद पर गया तो इतना सीरियस होता है कि अपने लोगों का होना चाहिए, मजाक भी एक स्तर का होना चाहिए जो समाज को भी बुरा न लगे। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो के साथ आने लगे लोग इस रेस्टोरेंट में, तो एक व्यक्ति उनके सामने वाले टेबल पर जो अंग्रेज बैठा था, उसने कहा करने के लिए लाइन से खड़े हुए थे, तो एक व्यक्ति उसने कहा हेलो ऐसे। हाँ, बहुत शानदार उद्बोधन हमारे मुख्य अतिथि जी का, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का तो ले जाता है इस कार्यक्रम को। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक विदेश सिंह बबू जी से मैं निवेदन करता हूँ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। मैं उनको सत सत नमन करता हूं। उन्होंने जो विचार दिए, जो दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम फहराया, आज युवाओं के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। युवा दिवस के रूप में हम सब देश भर में मनाते हैं। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ रणजीत राय बड़े जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया था, जो शहर में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले यूथ आइकन हैं उनको सम्मानित करने का भी यहाँ कार्यक्रम था। और